एवरीवन फ्रेंड, अगर आपको कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट्स हो, कोई भी क्वेश्चन पेपर्स हो या कोई भी इमेज हो, अगर आपको उसको वर्ड डॉक्यूमेंट में इजीली कन्वर्ट करना हो तो आज का मेरा ये वीडियो आपके लिए है। फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड, अगर आप टीचर हो, आप कोई और लैंग्वेज का कोई वर्डिंग टाइपिंग करना चाहते हो और टाइपिंग में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप एग्ज़ाम लेना चाहते हो, आपके पास हिंदी, संस्कृत, तेलुगु या कोई भी और लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर बनाना है और आपको टाइप करना है फटाफट बिना टाइपिंग किए, आप उसको एमएस वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपके पास हैंड रिटन नोट्स है तो फ्रेंड, ये कैसे होता है ये हम हमारे वीडियो में आगे देखते हैं। कीप वॉचिंग माई वीडियो। तो फ्रेंड, इसके लिए हमें कोई भी पिक हो उसे हमारे कंप्यूटर पे लाना है या हमारे डेस्कटॉप पे उसे सेव करना है। आप उसको व्हाट्सएप से भी ला सकते हो। व्हाट्सएप से कैसे लाया जाता है और व्हाट्सएप को किस तरीके से डेस्कटॉप पे ऊपर किया जाता है वो मैंने मेरे वीडियो में दिखाया ही है, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। आप चाहो तो जीमेल से ला सकते हो या फिर यूएसबी से। आपको आपका जो भी टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है उसको आपके डेस्कटॉप पे लाना है। जैसे ही आपका पिक जब डेस्कटॉप पे आ जाता है, हमें गूगल ओपन करना है और फिर हमें इसे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके हमें ड्राइव ओपन करनी है। जैसे ही आपकी गूगल ड्राइव ओपन हो जाए, आपको लॉगिन हो जाना है। मैं ऑलरेडी हूँ यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे हमारा वो जो डेस्कटॉप पे जो भी टेक्स्ट थी, जो भी फोटो था, उसको यहाँ पे अपलोड करना है। इसके लिए मैं यहाँ पे जो न्यू दिया है वहाँ पे क्लिक करूँगी। वहाँ पे फाइव पे क्लिक करके जो डेस्कटॉप की फाइल थी उसको मैं यहाँ पे ओपन कर रही हूँ। मेरी फाइल जो है वो अपलोड हो गई है। अब हमें उसे ओपन विद गूगल डॉक्यूमेंट में ओपन करना है। जैसे ही ये गूगल डॉक्यूमेंट में ओपन होगा, हमारा कोई भी फोटो हो, कोई भी पिक हो, किसी की भी लैंग्वेज का हो, वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे मैंने संस्कृत लैंग्वेज यूज़ की थी, वो भी टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गई। अब हम इसे डाउनलोड में जाना है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन करना है। मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और फिर यहाँ पे सेव करके मेरा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो ओपन हो गया। एंड देखिए फ्रेंड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेरी जो टेक्स्ट थी वो यहाँ पे रिटर्न हो गई, बिल्कुल टाइप किए बिना, सिर्फ पिक से। फ्रेंड, मैं ये जो अब ऊपर का जो मेरा पिक है उसको डिलीट कर रही हूँ। तो देखिए, कंप्लीटली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मेरी टेक्स्ट जो थी वो लिख के आ गई। आप इस तरीके से काफ़ी इजीली कोई भी रिटन टेक्स्ट को एमएस वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो।